मिलास पर जताया। ये कहीं ना कहीं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो जात पात धर्म मजहब से उठकर उस मॉडल की चर्चा हो रही है जो बार बार मॉडल बोलते हैं ना ललन जी, चिराग मॉडल, चिराग मॉडल, चिराग मॉडल ने उनको यहाँ पर भी नुकसान पहुँचाया, वहाँ पर भी पहुँचाया, और दोनों जगह नागालैंड, बिहार की जनता और अब पूरे देश की जनता धीरे धीरे आने वाले समय में सिर्फ विकास की बात करेगी जात पात। कार में हूँ देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। देखिए होली खेलकर चिराग पासवान जो है वो दिल्ली जो है वो जा रहे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है चिराग पासवान। किस तरीके से होली सेलिब्रेट कीजिएगा इस बार? भाई इस बार खैर हम लोग घर पे तो हम लोग नहीं करेंगे, हमारी नानी का निधन हुआ था, बट हाँ जहाँ जहाँ से आया है निमंत्रण, आज रविशंकर जी हमारे अभिभावक तुल्य उनके यहाँ था, तो वहाँ पर गए थे पार्टी कार्यालय में, महिलाओं के साथ आज होली थी, महिला प्रकोष्ठ की तमाम हमारे पदाधिकारी थे, तो सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहेंगे जीत को लेकर नागालैंड में? नागालैंड की जनता का धन्यवाद, उनका आभार, और ये विश्वास जो उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर जताया, ये कहीं ना कहीं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो जात पात धर्म मजहब से उठकर उस मॉडल की चर्चा हो रही है जो बार बार मॉडल बोलते हैं ना ललन जी, चिराग मॉडल, चिराग मॉडल, चिराग मॉडल ने उनको यहाँ पर भी नुकसान पहुँचाया, वहाँ पर भी पहुँचाया, और दोनों जगह नागालैंड, बिहार की जनता और अब पूरे देश की जनता धीरे धीरे आने वाले समय में सिर्फ विकास की बात करेगी जात पात। चलिए थे चिराग पासवान जो कि पटना आज ही आए थे, रविशंकर प्रसाद जो कि बीजेपी के सांसद हैं पटना के, उनके मिलन समारोह में शिरकत किया, उसके बाद जो है वो दिल्ली के लिए लौट रहे हैं। देखिए किस हड़बड़ी के साथ चिराग पासवान जो है वो लौटते हुए, उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। देख सकते हैं कि देखिए चिराग पासवान की जिस तरीके से जीत हुई है उसको लेकर नागालैंड में जिस तरीके से आप लोग जीते हैं, चिराग पासवान ने कहा कि अब बिहार की बारी है। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि भाई बिहार की उन्नति, बिहार के भविष्य और ख़ास करके बिहार के युवाओं के बारे में जो सोचेगा भाई, उसी को अगले वर्ष चुनाव में जनता पसंद करेगी। और कहीं ना कहीं आप देखिए यहाँ दो बहुत बड़े दल ऐसे हैं जो 7 दलों का मेल है महागठबंधन में, और नागालैंड में जाकर के धुआंधार प्रचार करते हैं एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम महागठबंधन के नेता, लेकिन वोट परसेंटेज क्या आता है तो मात्र 3%। और वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ती है तो हम लोग वोट जो प्राप्त किए हैं वो सीधे उनसे 3 गुना ज़्यादा, 2 विधायक की जीत होती है। तो कहीं ना कहीं एक युवाओं ने मैंडेट ज़रूर स्वीकार किया है कि भैया आप झांसा में नहीं आने जा रहे हैं, बहुत लोग चुनावी सभाओं में भाषण देते आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भाई पहली कलम से 10 लाख नौकरी, 10 लाख सरकारी नौकरी, लेकिन चुनाव होने के बाद शपथ ग्रहण के बाद क्या होता है, वो नौकरी बदल जाता है सीधे रोजगार में, लेकिन वो रोजगार भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बहुत युवा हैं जो बिहार से पलायन करके नागालैंड में बेरोजगारी का ठप्पा लेकर के वहाँ काम कर रहे हैं। तो एक मुँह तोड़ जवाब दिया है नागालैंड के जनता ने कि अब भैया बहकावे में नहीं, अब एक नया चेहरा, और जल्द बिहार में आपको इसका बदलाव का संकेत देखने को मिल जाएगा। सियासत चलती रहेगी, आप अपने नेता के साथ आपने होली खेला या नहीं खेला? जी बहुत अच्छा से खेला, चूँकि रविशंकर प्रसाद जी ने आज हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को और पार्टी के तमाम नेताओं को बुलाया था, आमंत्रण दिया था होली मिलन समारोह में। हमारे महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा शोभा सिन्हा जी ने भी पार्टी कार्यालय में यह कार्यक्रम रखा था। तो होली है सभी लोगों के लिए एक त्यौहार है, बिहार का तो होली बहुत फेमस है, सब लोग खेल रहे हैं, सब लोग खुशहाली से मनाएं और सेफ्टी से मनाएं। वेद प्रकाश पांडे, फिलहाल अभी तक लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।